हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड एट ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट ब्राजील, बी इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट मेक्सिको, सी इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड राइस इम्प्रूवमेंट जापान, डी इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड ग्राम इम्प्रूवमेंट मेक्सिको। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि व्हीट की जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज हैं वो कहाँ डेवलप हुई थी। हमारे पास फोर ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज, सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज। तो सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज इंडिया में कब डेवलप होना शुरू हुई थी, इन द ईयर्स 1960s टू 2000s। अब ये तो सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज थी, इनके कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस क्या थे इनके, कि स्ट्रॉन्गर विंड्स में ये वेराइटीज फॉल डाउन नहीं होती थी, यानी कि ये लॉज नहीं होती थी, डिड नॉट फॉल डाउन इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। यानी कि इन वेराइटीज में क्या था, लॉजिंग रेजिस्टेंस थी। और ये रेजिस्टेंस किस वजह से थी, क्योंकि जो सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज थी उनके पास क्या था, हैड शॉर्ट एंड टफ स्टॉक। शॉर्ट और टफ स्टॉक होने की वजह से इन वेराइटीज में लॉजिंग रेजिस्टेंस थी, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती थी तो ये क्रॉप वेराइटीज गिरती नहीं थी। और इन वेराइटीज को डेवलप कहां किया गया था, डेवलप्ड एट सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज की डेवलपमेंट हुई थी एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट मेक्सिको। इन वेराइटीज को डेवलप किया था बाय नॉर्मन ई बोरलॉग। और कुछ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो क्या हो सकते हैं, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सोनालिका, कल्याण सोना, एक्सेट्रा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी कहाँ डेवलप की गई थी, तो हमारा आंसर क्या है इसमें से, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट मेक्सिको, विच इज ऑप्शन बी। हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट ब्राजील, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट ब्राजील में सिचुएटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड राइस इम्प्रूवमेंट जापान, तो यहाँ पर व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी सेज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड ग्राम इम्प्रूवमेंट मेक्सिको, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड ग्राम इम्प्रूवमेंट मेक्सिको में व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को डेवलप नहीं किया गया था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।